हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे फिर से। तो आज हम करने जा रहे हैं अपने एक दोस्त की कलेक्शन रिवील, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ये है मेरे दोस्त, मैंने उससे आईडी ली थी कि मैं उसकी आईडी से खेलूंगा, पर मैं उसकी आईडी का कलेक्शन रिवील करने जा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके करेक्टर्स देखते हैं। तो करेक्टर में आप देख सकते हैं आलोक है इसके पास, वुल्फ वुल्फराय, क्लाय, केली, जोटा, जोसेफ, A124, कोबरा, रेफेल, हयातो, मोको, ये फोर्ड एंड्रू मैक्सिम, ये देख सकते हैं आप इतने ज़्यादा इसके पास करेक्टर्स है। और जो नूबड़े नूबड़े करेक्टर है वो लेवल 4 के हैं, और जो थोड़े अच्छे अच्छे हैं वो लेवल 6 के हैं। केली उतनी कुछ अच्छी नहीं है, पर फिर भी चलो ठीक है। आलोक इसके पास ये है, मैंने इसको ये खुद ही ऐसे कपड़े डलाए हैं। फिर चलिए अब हम इसकी देख लेते हैं पेट कलेक्शन। तो पेट में इसके पास एक ये है जिसका नाम इसने रखा है ओपी ब्रो, वैसे ही है। फिर पूरा लेवल मैक्स का है ये इमोट। फिर स्किन भी इसकी, दो दो स्किन है, और स्किल्स इसकी वही है, आपको पता ही होगा। फिर एक फेल्को है इनके पास, इसके पास इसके भी ये भी लेवल 7 का मैक्स है स्किल इसकी, और वो स्किन है। फिर और हम देखते हैं तो और इनके पास ये है किटी, जिसकी इनके पास ओपी वाली मनी हाइस्ट की है। भाई साहब ये लेवल 7 की नहीं है, क्योंकि इसके पास इसके लिए बहुत फूड चाहिए होता है, पर फिर भी लेवल 5 की तो है ये। मैकेनिकल डॉग भी है इनके पास, जिसकी एक स्किन है अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये लेवल 5 का है, लेवल 6 7 पे मिलेगी इनको। तो इमोट इसके पास है काफ़ी अच्छे। फिर पांडा है इनके पास जो लेवल 6 का है, और इसकी भी इनके पास 2 स्किन्स हैं, और स्किल तो वही है। तो चलिए अब हम इनकी नज़र डाल लेते हैं इनकी कलेक्शंस पे। तो कलेक्शंस के इनके पास एक ये वाला इमोट है, एक हेलो वाला इमोट है, एक क्लैपिंग वाला, एक ये वाला, और एक ये बैक फ्लिप ये वाला। और अगर आपको जहाँ तक याद हो, अगर आप टेक्नो गेमर के फ़ैन हैं, मैं भी हूँ, तो उनके उन्होंने को भी ये वाला इमोट बहुत पसंद है, और एक ये वाला, और एक डैब वाला, और 1 हैंड पुशअप। व्हीकल की स्किन में इनके पास एक ये वाली स्किन है, और बाइक की, ये तो सबके पास होगी। फिर बैग में इनके पास ये बहुत ही ख़तरनाक वाला ओपी बैग है, और फिर ये तो सबके पास होगा, मैक्सिमम लोगों के पास होगा, ये भी होगा, बाकी का मुझे पता नहीं। ये सारी इनकी बैक कलेक्शन है। फिर लूट बॉक्स में इनके पास एक ये वाला लूट बॉक्स है, फिर ये 1 पंच मैन का भी लूट बॉक्स है, फिर ये जो अभी मिल रहा था, ये अगर आपको पता होगा तो आपके पास होगा, नहीं पता होगा तो मतलब नहीं होगा। फिर ये भी है आपके पास, ये भी हुआ है इनके पास, ये वाला भी थोड़ा अच्छा है। ये मुझे एक्चुअली लाइटनिंग वाला ज़्यादा पसंद है, जिसके अंदर से लाइट निकलती है। फिर सर्फ बोर्ड में इनके पास एक ये है। सर्फ बोर्ड इनके पास काफ़ी ओपी ओपी है। ये भी है इनके पास 1 पंच मैन का, ये भी है, साइबर बनीज भी है, ये भी है, रिक्वेस्ट बहुत भेज रहे हैं आजकल। ये तो कोबरा का मैक्सिमम लोगों के पास होगा। फिर ये सिंपल सिंपल से स्केटबोर्ड आ जाते हैं। फिर आप पैराशूट्स देख लेते हैं। तो पैराशूट्स इनके पास काफ़ी ओपी थे, जैसे आप ये देख सकते हैं, काफ़ी ओपी ओपी पैराशूट्स हैं इनके पास, कोबरा तक का भी है, देख लीजिए। अब पिंस में नज़र मारते तो इनके पास कोबरा पिन नहीं है, चलो अब वो कुछ नहीं होता, वो कहीं के पास होती है कहीं के पास, पर इनके पास फिर भी बिगिनियर्स पिन है, जो बहुत कम लोगों के पास होगा। जिनके पास कोबरा होगा उनके पास ये ज़रूर होगा, पर जिनके पास कोबरा भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो मतलब वो फिर अलग लेवल के बंदे हैं। अवतार इनके पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे, बहुत देख सकते हैं, काफ़ी अवतार हैं इनके पास। तो बैनर भी उस हिसाब से काफ़ी हैं, देख लीजिए आप। स्काई डाइविंग में ये तो होता है, पर इनके पास अब इसकी स्किन नहीं है। अब इनकी एक बार नज़र डाल लेते हैं वेपन्स पे। वेपन्स पे नज़र डालने के पहले हम देख लेते हैं इनके पास एक एक स्किन, इनके पास दो दो एक एक स्किन है। एक ही इनके पास ये ओपी वाली, एक ही विंटर लैंड्स वाली स्किन है, ये तो सबके पास होगी।
ये कुछ और स्किन्स हैं, ये M4A1 M4 M1 M14 की है, मैं नाम भूल जाता हूँ इसका। फिर ये स्कार की है, ग्रोजा की है तो आपके पास होगी, फेमस की गोल्डन वाली स्किन है इनके पास, AN94 की है, फिर ये SMG की, SMG में UMP की ईवो स्किन है इनके पास, और ये OP वाली इनके पास MP5 की चैम्पियन बॉक्सर स्किन है। फिर ये तो सबके पास होगी, नटक्रैकर है पर परमानेंट नहीं है। VSS की भी स्किन है इनके पास, MP40 की ब्लडी गोल्ड वाली भी स्किन है इनके पास, बहुत ही OP लगती है मुझे ये देखने पर। कोबरा MP40 और पोकर से कोई अच्छी नहीं है मेरे लिए, आपके लिए और हो सकती है। फिर ये P90 की स्किन है इनके पास, शॉट गन में जाते हैं तो इनके पास M1014 की है, स्नाइपर में जाते हैं तो K98 की स्किन है, और M82 की स्किन है। अगर ये बहुत, मेरे को लगता है काफ़ी कम लोगों को मिली थी ये स्किन, लेना मुश्किल था थोड़ा, पर काफ़ी लोगों को मिली भी गई थी। फिर इनके बाद USP की नहीं है, डेजर्ट ईगल की नहीं है, पर G18 की स्किन है, देख सकते हैं गोल्डन वाली। फिर ये भी है इनके पास M500 मिली में, देख सकते हैं तो इनके पास पैन है क्रूनो का, पैरंग में इनके पास टॉक्सिक वाला है एक, फिर एक ये है ब्लेड, क्रूनो का ब्लेड है। फिर ये तो सबको मिला था होली इवेंट पर, अगर आपको पता होगा। बैटमैन के पास ये OP वाला जो अभी रिडीम कोर से मिला है वो है, फिर ये वाला बैट भी है, ये भी है। फिर कटाना की भी स्किन है इनके पास, देख सकते हैं आप, जैसे कटाना स्प्रिंटेड स्प्रिटेड ओवर सीरीज की स्किन। फिस्ट में इनके पास कोई स्किन नहीं है फिलहाल। ब्लू वॉल की इनके पास एक OP वाली स्किन है जो मुझे काफ़ी पसंद है, ये देख सकते हैं आप। तो ये है इनके पास, ये है, अरे यार ये है, ये है, और ये भी मुझे काफ़ी पसंद है। और ब्लू वॉल की भी इनके पास स्किन है, ये देख सकते हैं आप, जैसे तो टॉप अप इवेंट में आई थी। और ये इनके पास M79 की भी है, चलिए अब इनकी एक बार नज़र डाल लेते हैं वोल्ट पे। तो अब हम एक बार ज़रा नज़र डाल लेते हैं वोल्ट सेक्शन पे। तो वोल्ट सेक्शन में इनके पास स्टार्टिंग में आता है ये वाला बंडल, ये देख सकते हैं बहुत ही OP बंडल है, ये देख सकते हैं। फिर इनके पास एक ये भी है, एक मिनट रुकिए। फिर अब इनके पास एक ये भी बंडल है, ये देख सकते हैं आप, मुझे नहीं पता इस बंडल का नाम क्या, मैं तो इसको समुराई बंडल अच्छा लिखा है यहाँ पे, स्ट्रीट डेविल हेड बंडल। फिर इनके पास एक ये भी है, इनके पास एक ये वाला बंडल फेमाइन फेलन। फिर इनके पास एक क्या कहते हैं इसको, मैजिकल क्यूब वाला बंडल भी है, मिस्टिक सीकर। फिर इनके पास एक ये वाला बंडल भी है, बहुत ही OP बंडल, पता नहीं कौन, बी द मास्टर ऑफ डेथ। फिर एक इनके पास ये वाला बंडल भी है, ये द फेस दैट कैप्टन पुनिशर, मुझे नहीं पता। फिर ये बंडल मेरा फेवरेट बंडल है, जिसका मैंने नाम रखा है आदि मानव वाला बंडल। फिर ये है अपना स्ट्रीट रनर बंडल, पंक स्टार बंडल है, पर मैं इसको स्ट्रीट रनर बंडल बोलता हूँ, आपको बुरा मत मानिएगा। फिर एक ये हाथ से बुनी टोपी भी है। फिर ये टॉक्सिक बंडल भी है इनके पास, टॉक्सिक लाइम बंडल। फिर दिवाली में इवेंट में मिला फेयरलेस वॉरियर का बंडल भी है। फिर ये इनके पास एक पता नहीं कौन सा बंडल है। फिर ये द यूनिफॉर्म ऑफ रॉयल पावर्स का बंडल। फिर ये है, इसका इनके पास पूरा नहीं है फिलहाल, इसके इनके पास शूज़ और चश्मा ही है, पर फिर भी अच्छी बात है। और फिर ये एक देख सकते हैं आप क्या है। फिर अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके पास मनी हाइस्ट वाला मास्क भी है। फिर ये है, ये वाला मास्क भी है इनके पास। फिर एक ये भी है आदि मानव वाला, वाह भाई वाह, ये भी है। फिर इनके पास एक चोर वाला मास्क भी है, इसका नाम आयरन मास्क है, मेरे को पता है पर मैं चोर वाला मास्क बोलता हूँ। फिर ये चश्मा भी है DJ आलोक की लुक के लिए, वैसे आलोक है पर आलोक बोलेंगे हम। फिर ये भी है इंडियन फ्लैग। फिर आप देख सकते हैं जैसे ये तो आपने फ़िलहाल देख ही लिया। फिर इनके पास ये भी है, ये कच्छा,
फिर ये भी है, ये सारे तो आपने देख ही लिए। फिर इनके पास ये जैकेट भी है, अगर मैं जैसी जगह पे रहता हूँ यहाँ पे अगर बर्फ़ पड़े तो ये जैकेट बहुत काम आती है। फिर एक ये हुड भी है, फिर नंगे आदमी की ये भी है सिक्स पैक्स, फिर ये रिच आदमी के सिक्स पैक्स, एक मिनट उसको पेंट डला देता हूँ, ठीक है। फिर ये भी है इसके पास, इनके पास फिर ये हाफ जैकेट, ये देख सकते हैं आप, ये भी है, ये देख सकते हैं आप, बहुत कुछ है इनके पास, देख सकते हैं। मुझे पता है आप देख ही रहे हैं, पर मुझे बोलने की आदत है कि आप देख सकते हैं। अब शूज़ में आप देख सकते हैं इनके पास ये वाली चप्पल है, फिर ये शूज़ तो आपने देख ही ले होंगे, फिर ये भी। और अब मेन जगह आती है बंडल में, तो बंडल में चलिए चलते हैं बंडल में। और बंडल में इनके पास बहुत ही ओपी बंडल है, देख सकते हैं ये टैडी वाला, ये तो होगा जिनको पता है रिडीम कोड कैसे डालते हैं। और ये मेरा फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट मनी हाइस्ट वाला बंडल, मेरा बेस्ट फेवरेट मनी हाइस्ट वाला। और फिर एक ये भी है रैपर का, काश इसका वाइट वाला होता है, वो भी बहुत सही लगता है मेरे को, वाइट वाला नहीं ब्लू वाला, बहुत ओपी लगता है मेरे को, बहुत ओपी। फिर इस वाले बंडल में इनके पास एक ये वाला भी है जो गोल्ड रॉयल का घटिया सा बंडल है, फिर एक ये भी है जो अभी आया था रमादर के इवेंट में, और फोर्ड का ये भी है। फिर पावर अप में आप देख सकते हो, फिर इनके पास एक ये पड़ा है ब्लू प्रिंट ऑफ ये पता नहीं किसका, जिसका भी था। फिर दो एवोल्यूशन स्टोन है, 46 क्यूब फ्रेगमेंट्स है, फिर डिस्काउंट कूपन ये, फिर ये 4000 ये हैं, 30 ये हैं, ये 280 ये है गिल्ड टोकन्स यहाँ से, फिर ये गोल्ड रॉयल भी है, ये सीड है पता नहीं क्या, और ये द कॉइन अर्न फ्रॉम द ग्रेटेस्ट हाइस्ट के लिए ये भी है। अब हम आपको मेन चीज़ दिखाएंगे, इनके आईडी का लेवल और लाइक्स, तो देख सकते हैं आप जिस हिसाब से मैंने, चलो ये 49 लेवल की आईडी है, 500 तक के लाइक्स है इस आईडी में, और इन्होंने एक ही अलग पास ख़रीदा है अभी तक, और कोई नहीं ख़रीदा है, मुझे लगता है डायमंड की कमी है। फिर इनके देख सकते हैं ये केडी वगैरह इनकी क्या है हिस्ट्री में, ये हिस्ट्री तो चला जाने दीजिए, ठीक है। तो चलेगा आज की वीडियो में बस इतना, दोबारा मिलेंगे अगली वीडियो में, गुड बाय।